हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी परिसर में गणेश जी तथा मोहर्रम का त्यौहार समाज बांधव एक साथ मिलकर मना रहे हैं, जो सर्वधर्म संभव का प्रतीक है। देश में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान देशवासियों में देश प्रेम तथा एकजुटता लाने के उद्देश्य से लोकमान्य तिलक जी ने सर्वप्रथम प्रभु गणेश जी की स्थापना की थी और तब से लेकर अब ये पर्व हमारा एक आस्था का पर्व हो चुका है। और वहीं साईं बाबा की वाणी की सबका मालिक एक है, वही सत्य है और साईं को अनेक धर्मों में विभिन्न नामों से पूजा जाता है और इसकी एक जीती जागती मिसाल सर्वधर्म संभव की चंद्रपुर के हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी परिसर में भी बीते कई वर्षों से देखने को मिल रही है, जहाँ पर प्रभु गणेश जी की स्थापना के साथ मुहर्रम का पर्व इस परिसर के नागरिक एक साथ मना रहे हैं और गणेश चतुर्थी के उत्सव के समय ही मुहर्रम का त्यौहार भी आता है और यहाँ पर गणेश जी के मंडप से लगा हुआ ही हजरत सैयद जमन जिट्टी बाबा की पावन दरगाह है और जहाँ एक तरफ गणेश जी की आराधना होती है वहीं मुहर्रम के समय ताजिया बनाकर नमाज अदा किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम और सर्वधर्म संभाव का प्रतीक ये उत्सव बन चुका है। वहीं इस मौके पर दोनों भी धर्म के लोग एकजुटता का भी परिचय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर सिटी न्यूज प्रतिनिधि विकास परिवार ने वहां पर मौजूद नागरिकों से इस संदर्भ में बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पिछले 40 सालों से यहां मनाया जाता है और इस जब ये उत्सव मनाया जाता है तो हम यहाँ हिंदू भाई, मुसलमान भाई सभी मिलकर इस उत्सव को बड़े खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे का सहयोग लेते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। आज ऐसा अवसर आया है कि गणपति और मुहर्रम ताजिया दोनों साथ में बैठे हैं। हम गणपति को यहाँ 15 साल से बिठा रहे हैं लेकिन पिछले 3 सालों से ये दोनों त्यौहार साथ में आ रहे हैं, तो हम एक ही दिन इन दोनों त्यौहार को मनाते हुए बहुत खुशी महसूस। ये सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है। हमारे देश में जो सर्वधर्म सर्वभाव, जो हमारे देश की एकता में अनेकता है, हमारे देश का नारा है सर्वधर्म संभाव, ये उसी का प्रतीक है।